हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRO डेली न्यूज़ में। स्कॉलरशिप की नई नई अपडेट के साथ, जैसा कि हम लोग आपके साथ जुड़ते ही रहते हैं, तो उसी क्रम में आज हमारे पास स्कॉलरशिप की एक और नई अपडेट आई है। उस नई अपडेट के अंदर क्या है, हम इस पर पूरी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जो अपडेट है नई वाली, इसके अकॉर्डिंग आप 3 मई से 10 मई के बीच में अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 3 मई से 10 मई के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब ये करेक्शन कर कौन सकते हैं? ये करेक्शन आप फर्स्ट और थर्ड सेम के स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सेम के स्टूडेंट जिन लोगों के स्कॉलरशिप फॉर्म में रिजेक्शन हो गया है किसी वजह से, या कोई करेक्शन करना है उन्हें, जैसे कि करेक्शन में क्या करना है कि कोई गलती कर दी उन्होंने फॉर्म भरने के बाद, उसमें लिखा आ रहा होगा स्टेटस में आपका, जब आप स्टेटस चेक करेंगे स्कॉलरशिप का तो स्टेटस में लिखा आ रहा होगा कि ये मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक अब आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी। करेक्शन क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँ, तो देखो करेक्शन में आप अपना रिज़ल्ट ठीक कर सकते हैं, रिज़ल्ट को अब आप अपडेट कर सकते हैं इसके अंदर। आपका सेकेंड सेम का रिज़ल्ट जो आ गया होगा आपका, उसको आप डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, बैंक डिटेल कोई और हो गई आपकी, तो इस तरीके के कोई भी एरर आपने कर लिए हैं तो वो आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको फिर से बता दूं कि 3 मई से 10 मई के बीच में खुलेगा, और उसके बाद ये आपको ठीक करने के बाद वापस कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। SC और ST स्टूडेंट के लिए पोर्टल खुला है, SC और ST स्टूडेंट के लिए ही ये पोर्टल खुला है, वही लोग इसमें अभी भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस संबंध में और कोई जानकारी हमारे पास आती है तो हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।